हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी दोस्तों को हमारे रीमा दिली ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं नया कुछ बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को कमेंट का इंतज़ार रहेगी। आप जितने पब्लिक लोग हो, हमारे भगवान हो आप लोग, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, तब हमको ज़िंदगी जीने के सहारा मिलेगी। दोस्तों, एक तो हम परेशान रहते हैं खुद अपना हस्बैंड जी से, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी कभी कभी नाशा करते हैं, तो सोचते हैं कि इनको तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमारी है, इतना पीते हैं, हमारी ज़िंदगी के तो कुछ मतलब नहीं रह गया। क्योंकि औरत को सबसे बड़ा पति होता है, पति को कुछ हो जाए ना, जब बच्चे बच्चे रहते हैं तो माँ बाप भगवान, माँ बाप ज़िंदगी के सहारा रहते हैं। माँ बाप तो सब दिन के लिए भगवान होते हैं, भगवान का दर्जा है। तो जब विदा कर देते हैं तो पति, एक पति ही ज़िंदगी होता है, ज़िंदगी में सहारा दे या ना दे। तो हमारे हस्बैंड जी जब, इसी के लिए हम पीते, सब है ठीक है, पीते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको पास दुख है, बीमारी हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कल का हमारा ज़िंदगी का क्या होगा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आती है, फिर भी रोते हैं, क्या करें, किसको से दुख कहें, और हम कुछ करते हैं तो अच्छा नहीं ना लगेगा, मर भी नहीं सकते, इतना मजबूर है। क्योंकि हम अगर मर जाएंगे ना, तो हमारे माँ बाप का क्या होगा? हमारे माँ बाप तो कहेंगे कि हमको कैसे हमारी बेटी दुनिया छोड़ दी, कूकेगी। हम नहीं चाहते कि माता पिता को हम कूकाए, इसलिए, क्योंकि मैं उस औलाद में से एक औलाद नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मानते हैं हमारा हस्बैंड अपना माता पिता का ख्याल रखे, उनको फ़र्ज है, मेहनत करके कमाए बचाए दो रुपया दे, उनको फ़र्ज है, कैसे रखे ना रखे। लेकिन जहाँ तक हम हूँ औरत लड़की, हम भी जो हमको इज्जत करेंगे उनको हम भी इज्जत करेंगे। जहाँ तक हमारे माँ बाप मुझे जन्म दिया, धरती पर लाए, वो से इतना बड़ा कर दिए, कैसे, और कभी हमें एक चाटा नहीं मारा, इतना प्यार दुलार देते। एक हमारे बाबू जी गरीब हैं, से हमारे भाई लोग तो अमीर हैं, सिर्फ हमारे पापा गरीब हैं, इसलिए, क्योंकि हमारे पापा शुरू से ही गरीब हैं। तो आज कोई अमीर बन गया तो उनको बेटा लोग, तो हमारे पापा कहाँ से अमीर रहेंगे, वो तो कल था जो आज है, सब दिन वही है। हमारे पापा है ना, वो बेटा बेटी में फ़र्क नहीं रखता है, सबको एक जैसा मानता है। लेकिन हाँ, बेटा फुतू के लिए क्या नहीं किए, पेट काट कर बहुत दुख सह के क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए। और आज आप लोग बड़ा भारती गाँव में जाकर देखिए हमारे मायके में कैसा लोग है, सब कैसा बन गया है। और उन लोग को पास थोड़ा सा व्यवहार हमको अच्छा अब नहीं लगता, इसलिए, क्योंकि बहुत अच्छा था, लेकिन अब सुन रही हूँ जहाँ तक कर रही हूँ, इसलिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, उस घर में बेटा बेटी में फ़र्क रखते हैं, सोचते हैं बेटी का कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है भैया, नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि माँ बाप में हमको भी हक है, आपको घर में नहीं हक है, ज़मीन में नहीं हक है, लेकिन माता पिता है मेरा, आप लोग हमें, हम लोग को मिलने नहीं दोगे तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे ना, क्योंकि उसमें हमको भी हक है। पैदा आपको किया है तो पैदा हमको भी किया है। सुन रहे ना आप, जितने हमारे पब्लिक लोग हो, आप लोग से एक ज़िंदगी जीने का उम्मीद रखी हूँ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। क्या हम गलत करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो हम गलत करती हूँ? आप लोग जाइए रीमा दिलीप 555 चैनल पर, पूरा वीडियो देखिए, क्या हम एक भी खराब वीडियो बनाए? मेहनत करती थी, सिलाई भी करती थी गांव में, अब दुख की वजह से, उन्हीं लोग को कुछ बात की वजह से कि हमारे माता पिता का दुख ना दे, तब हम इतना दूर चले आए। क्यों आए? नहीं चाहते हैं ना कि अपना माता पिता को आज के समय में दुख दे, कूका, अच्छा वाला बात नहीं रहेगा। जो औलाद सच्चा दिल वाले माता पिता को जो दुख देता है ना, उसको कभी अच्छा नहीं होगा। हमारे बाबू जी कभी नशा नहीं करते हैं, सिर्फ दिन भर खेती में काम करते हैं और हमेशा
बहू बेटा के बारे में सोचते रहते हैं, कितना दिल का अच्छा है। गलती हम किए, सजा हमको माँ और पापा को क्यों, मगर क्यों। वहाँ तक वीडियो जाती होगी, देखते होंगे हमारे फैमिली के भाभी लोग, चाहे कोई भी, सब सुन रहे हैं ना। वीडियो हम बनाते हैं तो आओ मुझे मार दो जान से, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहूँगी, भैया प्लीज़ आप हमारे माँ और पापा को ताना मत दीजिए, क्योंकि उनको बेटी है तो आपको भी बेटी है। कल क्या करेगी आपको खुद पता नहीं है, उनको बेटा है तो आपको भी बेटा है, कल क्या करेंगे खुद नहीं पता है। मानते हैं हम गलती किए, यूट्यूब पर नहीं आना चाहिए, ठीक है गलती की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुख है। आप लोग कचरा में फेंक दिए क्या, जैसा मर्जी था वैसा में शादी कर दिए, तो हम कभी आपको कुछ कहें नहीं कहें, कुछ मांगने गए नहीं मांगने गए, सिर्फ एक बात किए है, सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। सोचती हूँ कल हमारे हस्बैंड जी को कुछ हो जाए तो हम कहाँ से, नहीं हमारे ससुराल में ज़मीन है, नहीं बड़ा घर है, नहीं पैसा है, नहीं कुछ है। सिलाई तो करवे करती हूँ, और ज़िंदगी जीने का ना भैया सबका हक रहता है, सुन रहे हो ना, सबका हक रहता है अपना तरीका से। बहुत ऐसा यूट्यूब खोल कर रखी है लेडीज लोग और लड़की, सबका भाई होगा, सब अपना माता पिता से होगा, सबको अपना होगा, सब धरती पर टपक नहीं जाते, सब पैदा होकर ही आते हैं, तो सबको अपना अपना रिश्ता होगा। और अच्छे वीडियो बनाने वाले को तो पब्लिक भी पसंद करते हैं। और हमारा किस्मत भगवान जहाँ ले जाए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 12 आदमी हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। 2 रुपया कमाते हैं हमारे हस्बैंड जी, उसी में खाते हैं, उसी में सब कुछ दिखना पड़ता है, कौन नहीं जानता है, वीडियो में कोई नहीं देखता है, हमें तो एक भी बेबी भी नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो हमारे हस्बैंड जी, हम लोग तो एकदम भीखा है, गरीब है, तो हम लोग को इतना मजाक आप लोग उड़ा देते हैं। प्लीज़ हमें मारिए, हमें कुछ भी कहिए, लेकिन हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं अभी अभी के फ़िलहाल में, हमारे माँ बाप को कुछ मत कहिए, ठीक है, उनको ज़िंदगी जीने दीजिए। क्योंकि जब इतना बच्चे लोग को पैदा किया और पोषण पालन सबके शादी ब्याह किया, क्या एक माता पिता जब वो रो जाते हैं तो क्या वो उनको पालन कोई नहीं करेगा। एक नियम नहीं है कि बेटा माता पिता को सहारा है, बेटी भी सहारा है, लेकिन हाँ भैया आप लोग तो सब कुछ लिए हैं, हम लोग को तो एक आशीर्वाद मिला है। बेटी लोग को ना सिर्फ एक आशीर्वाद की ही ज़रूरत रहती है, ना उसको धन दौलत का ज़रूरत रहता है, न मायके वाला, ना ही जाता जमीन कुछ का, ना सिर्फ एक आशीर्वाद चाहिए। प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए समझदारी लाने का, और जल्दी जल्दी आप लोग बात को गौर कीजिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, और गलत है तो हमें सजा दीजिए, ठीक है ना। अगर हम गलत रहते तो हमारे पति नहीं रखते, आपको दिमाग कहाँ गया है, क्योंकि खुद हमारे हस्बैंड जी तो लाए हैं, हमारे पति जो ज़िंदगी हमको अब वो ज़िंदगी भर रखेंगे, वही तो खुद हमको यूट्यूब पर लाए, तो हम क्या करें, आप बताइए। आपको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए, जिसमें हमारे बहनों ही खुश है उसमें हमारी बहन खुश है, तो माँ बाप को टचर काहे करें, नहीं करना चाहिए ना, क्या जूगा गया है, ठीक नहीं होगा। माता पिता को दुख देते हो अच्छा नहीं होगा, आज खुश हो तो क्या हुआ, कल दुख भी आएगी, किसी से पूछ के दुख नहीं आती है, आज पैसा है तो कल पैसा नहीं रहेगी, आज जवान हो तो कल बूढ़ा होगो हो जाओगे, आज बेटा हो तो कल बाप भी बनोगे, इतना बात को ध्यान रख लो जहाँ तक मैं कह रही हूँ। तो दोस्तों, जितने हमारे प्यारे प्यारे दोस्त लोग हो, सबको हमारा वीडियो YouTube या Facebook पर मैं डाल रही हूँ आज, और जिसको जिसको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करें, क्या हम गलत हैं तो कमेंट कीजिए, हम गलत हैं कमेंट कीजिए प्लीज़, बाय बाय। कल फिर इसी बात पर हम कुछ बोलेंगे।